हैं कि 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के संबंध में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो पहला पढ़ा है स्टेटमेंट, यह भारतीय संविधान का 105वां संशोधन है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का 105वां संशोधन नहीं है, बल्कि जो है भारतीय संविधान का जो है ये 104वां संशोधन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का 105वां नहीं है, ये 104वां संशोधन है। दूसरा है कि इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि आरक्षण की अवधि जो है वो लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में अवधि जो है वो 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें दोनों वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है। तो तीसरा स्टेटमेंट सी भी इसका सही है, क्योंकि जो पहले क्या कहते हैं सीमा थी वो 2020 तक थी, अब जो है ये सीमा जो है बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक जो है वो सीटों के आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। संशोधन से जुड़े कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है। दूसरी बात क्या है कि इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसकी मैं आगे चर्चा कर ही चुका हूं, और यहां पर मैंने बताया कि जो है इस विधेयक संशोधन विधेयक के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो है क्या कहते हैं जो राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं दो सदस्यों का लोकसभा में जो है वो प्रतिनिधित्व करता था, उनका मनोनयन करता था, तो इस संशोधन के द्वारा इस मनोनयन को जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है। और चौथा तीसरा स्टेटमेंट जो बताया था कि इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दो चीज, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो है आरक्षण की जो सीमा थी वो 25 जनवरी 2020 थी। तो 25 जनवरी 2020 को ये डेट बढ़ा करके जो है वो क्या कहते हैं 25 जनवरी 2030 कर दी गई है। और अगली न्यूज भारत और स्वीडन के बीच में हुए समझौते को लेकर के है, देखते हैं। पहला है कि हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर हेतु भारत और स्वीडन की सहभागिता किन रोगों में अनुसंधान को बढ़ावा देगी? तो ये गैर संचारी रोगों में अनुसंधान को बढ़ावा देगी। और इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की स्थापना हेतु भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो देश जो होगा वो स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, और अगली न्यूज देखते हैं कि KAA KAAA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कुवैत अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है। और यहाँ देख सकते हैं कि 21 नवंबर 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया और KAAA यानी कि कुवैत अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन को लेकर के एक हस्ताक्षर हुआ है। और ये हस्ताक्षर में क्या कहते हैं कि ये जो कुवैत सरकार के जो क्या कहते हैं कर्मचारी हैं, जो कुवैत क्या कहते हैं प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, ये क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंट बनाया गया है जिसे भारत में ICAI है, तो उसके साथ में जो है आपस में मिलकर के वो तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। और यहीं पर एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि ये जो ICAI है इसकी स्थापना जो कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अगला देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मध्य में समझौता होने से लाभान्वित होंगी। तो ये जो क्या कहते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, तो इसके बीच में जो समझौता हुआ है वो समझौता जो जैविक कृषि से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनको जो है लाभान्वित करने के लिए ये समझौता जो है वो किया गया है। उसके बाद में देखते हैं कि 25 दिसंबर 2019 को देशभर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो 2014 में जो है वो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जो है वो क्या कहते हैं जन्म दिवस के अवसर पर जो है ये मनाया जाता है। और क्या कहते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि अटल जी की जो समाधि है उस समाधि का नाम जो है वो है सदैव अटल नाम है, और ये नई दिल्ली में जो है वो स्थित है। और अगला देखते हैं कि 24 दिसंबर 2019 को देशभर में राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो 2019 में इसका मुख्य विषय था वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत या विवाद, जिसको आप क्या कहते हैं देख सकते हैं इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो अल्टरनेटिव कंज्यूमर ग्रीवेंसी एंड डिस्प्यूट रेड्रेसल्स इसका था। और इसी के साथ जो है ये 15 मार्च 2019 को क्या कहते हैं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो मनाया गया। तो 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और वहीं पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या कहते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के देखते हैं कि 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि इस विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और साथ में एक देश और है जिसको आप अफगानिस्तान बोलते हो, अफगानिस्तान भी है, यहाँ को 3 देश लेकर के है। तो 3 देशों में से जो भी अप्रवासी भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान देने की बात कही गई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 6 अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है क्योंकि इसमें 6 जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई है और पारसी हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि वो इन देशों में पाकिस्तान में और क्या कहते हैं अफगानिस्तान में और साथ ही बांग्लादेश में, तो इन 3 देशों में जो है क्या कहते हैं कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं यानी कि बहुसंख्यक नहीं है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो है वो भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर इस विधेयक में और महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक क्या है कि भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए कम से कम अप्रवासियों को जो है भारत में 11 वर्ष जो है रहना जरूरी है, लेकिन इस विधेयक में संशोधन करके
से 11 वर्ष को घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया है कि अब 6 वर्ष यहाँ पर रहने के बाद जो है उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसी बात नहीं है कि जो है नागरिकता संशोधन विधेयक सबसे पहले या पहली बार जो है इसको पेश किया गया है लोकसभा में, बल्कि जो है नागरिकता संशोधन विधेयक इससे पहले 19 जुलाई 2016 को जो है लोकसभा में पेश किया जा चुका था, तो वहाँ पर ये सफल नहीं रहा तो इस बार दोबारा इसको लाया गया। और दूसरा तथ्य यहाँ पर एक ये भी महत्वपूर्ण है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन करने वाली इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। तो ये क्या कहते हैं, अगर ये सवाल आ जाए कि कौन से अधिनियम में नागरिकता संशोधन के किस अधिनियम में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन करता है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है संशोधन का प्रावधान किया गया है। हैं कि प्रतिष्ठित पत्रकार सीरीन दलवी निम्न में से किस पत्रकार किस भाषा की पत्रकार हैं, तो सीरीन दलवी जो है वो उर्दू भाषा की पत्रकार हैं। और क्या कहते हैं, जब नागरिकता संशोधन विधेयक जो है ये राज्यसभा में पारित हुआ था तो इन्होंने जो है धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए जो है उस पर आरोप लगाया था कि ये जो है वो संविधान के खिलाफ है। तो यहाँ ये सवाल पूछा जा सकता है कि सीरीन दलवी जो है वो किस भाषा की पत्रकार हैं, तो ये उर्दू भाषा की पत्रकार हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अवधनामा दैनिक उर्दू अखबार है, जैसे इस समय हिंदी में दैनिक जागरण निकलता है, ऐसे ये मुंबई संस्करण है, तो इसकी ये संपादक रह चुकी हैं। तो हो सकता है मिलान करने के लिए भी दे दें, एक तरफ दे देंगे कि क्या कहते हैं सीरीन दलवी और दूसरी तरफ अखबार का नाम दे दे अवधनामा, तो मिलान करने की दृष्टि से भी ये आ सकता है। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश से लेकर के है, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को जो है मंजूरी दिया गया है। देखते हैं कि 9 दिसंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बालकों एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रही घटनाओं की तत्काल विवेचना कराकर दोषियों को शीघ्र दंडित किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया है, तो ये 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया है। कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा असम के किस विद्रोही समूह के प्रतिबंधों को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये है NDFV। NDFV का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जिस पर जो 5 साल के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। और केंद्र सरकार ने ऐसा किस कानून के तहत किया है, तो ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के द्वारा जो है NDFV पर जो है वो प्रतिबंध की सीमा जो है वो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। 2019 में अमेजन ने भारत में फायर टीवी के स्मार्ट संस्करण की बिक्री हेतु किसके साथ में साझेदारी की है, तो ये ओनिडा कंपनी है जिसके साथ में जो है अमेजन ने जो है फायर टीवी के जो स्मार्ट संस्करण आ रहा है उसकी बिक्री के लिए जो है साझेदारी किया है। और अगली न्यूज़ देखते हैं USMCA समझौता को लेकर के है। पहला है कि दिसंबर 2019 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा ने USMCA समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और इस समझौते के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि यह समझौता न्यूयॉर्क सिटी में हस्ताक्षरित हुआ, ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि समझौता जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, बल्कि जो है ये समझौता मैक्सिको सिटी में जो है वो हस्ताक्षरित हुआ है। तो न्यूयॉर्क में नहीं हुआ, ये कहाँ पर हुआ है, ये मैक्सिको सिटी में जो है वो हस्ताक्षर किया गया है। दूसरा है कि नया समझौता 25 वर्ष पुराने अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा का स्थान लेगा, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये 25 वर्ष पुराने जो नाफ्टा समझौता हुआ था उसका स्थान लेगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस समझौते के अंतर्गत श्रम सुधार, पर्यावरण संबंधी मामलों की निगरानी आदि को कठोर बनाए जाने के प्रावधानों को शामिल किया गया है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। और चौथा स्टेटमेंट दिया है कि इसमें औषधियों के सस्ते जेनेरिक संस्करणों की राह में बाधा बनने वाले प्रावधानों को दूर करने के उपाय किए गए हैं, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, इसमें जेनेरिक जो दवाएं होती हैं उनमें जिस पर जो भी क्या कहते हैं समस्याएं आ रही थी तो उनको दूर करने के लिए नियम बनाए गए हैं, तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है। और अगली तथ्य देखते हैं कि है कि 16 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने पोर्टल के पंजीकृत उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर यही सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में GEM जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपको बता दें कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक प्रकार की आभासी मंडी है, जहाँ पर सारी किसान जो होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने उत्पादों को बेचने के लिए, ठीक है। तो वहीं पर जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो हालांकि ये एक पोर्टल है जो अब धीरे धीरे एक संस्था के रूप में, आभासी संस्था के रूप में बदलता जा रहा है, तो ये क्या है कि अपने उपभोक्ताओं जो है उत्पादों के क्या कहते हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए, वो कैसे उत्पाद होंगे वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तय करेगा। कह रहे हैं कि 2 प्रकार के जो है बैंकों के साथ में 2 प्रकार के समझौतों को लेकर के हस्ताक्षर किया है, तो यहां पर वो समझौता कौन सा है उसको भी हम यहां बताते हैं, लेकिन बैंक पहले जान लेते हैं कौन सा है। उसमें से पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा बैंक है यूको बैंक है। अब देखिए समझौता क्या क्या यहां पर हुआ है, तो समझौता देखते हैं, इन सेवाओं में जेम पूल अकाउंट्स, ठीक है, जेम पूल अकाउंट्स के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण, तो पहला जो समझौता हुआ है वो क्या है, धनराशि का हस्तांतरण होगा और किसके माध्यम से होगा, जेम पूल अकाउंट्स के माध्यम से होगा। अब जेम पूल अकाउंट्स क्या है ये बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एवं बयाना राशि या अग्रिम धन जमा राशि के विषय में सलाह देना, कि जब कभी आप बयाना राशि देंगे तो उसके विषय में सलाह लेंगे और वो उसका आधार क्या होगा, वो होगा ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक जेम पूल अकाउंट्स है, दूसरा है ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है, और जो समझौता है वो है धनराशि का हस्तांतरण, और वो क्या है, दूसरा क्या है, बयाना देना है। तो 2 चीज़ें इसमें शामिल। और अगली